नमस्ते दोस्तों, लैब्स एडवाइज़र आपके लिए लेकर आया है एक नया अजूबा, वृक्ष मानव। ये शब्द सुनते ही आपको किसी कॉमिक्स या फिल्म के सुपर हीरो का ख्याल आया होगा, पर ये वृक्ष मानव उन सुपर हीरो से काफ़ी अलग है। आइए जानते हैं आज के वृक्ष मानव के बारे में। ये वाकया बांग्लादेश के रहने वाले अबुल बजंदर के बारे में है, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। दरअसल 10 साल पहले अबुल की हाथ और पैर की उंगलियों पर पेड़ की छाल जैसी रचनाएं उगने लगीं। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि ये इस कदर बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो गए। 5 साल पहले जब ये ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। तब अबुल को डॉक्टरों ने बताया कि वे एपिडर्मो डिस्प्लेजिया वेरुसीफॉर्मस नाम की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर होता है, जिसमें प्रभावित इंसान के शरीर में किसी भी हिस्से में पेड़ की जड़ों और शाखाओं की तरह स्किन ग्रोथ होने लगती है। इसी वजह से इस बीमारी को ट्री मैन डिसीज़ भी कहते हैं। दुनिया भर में इस बीमारी में अबुल बजंदर समेत सिर्फ 4 लोग पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने उनके शरीर से मसलों को निकालने के लिए कम से कम 16 ऑपरेशन किए। उसके हाथ और पैर अब लगभग ठीक हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मसले दोबारा नहीं उगते हैं तो अबुल दुनिया का पहला शख्स होगा जो इस बीमारी के बाद ठीक हो पाया। पिछले साल एक इंडोनेशियाई नागरिक की इसी दुर्लभ बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान अबुल ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बच्ची को अपने हाथों में कभी उठा पाएंगे, लेकिन अब सफल ऑपरेशन के बाद वो अपनी बच्ची को खिला सकते हैं। अगली बार हम लोग फिर ऐसा ही एक अजूबा लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे।